स्पष्ट बहुमत पाकर 84 के बाद पहली बार एक पार्टी को इस देश की जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया है। एनडीए और भारतीय जनता पार्टी दोनों की जो संख्या है लोकसभा में वो भी किसी भी गैर कांग्रेसी गठबंधन के लिए आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी है। ये विजय देश की जनता का है, ये विजय भारत का विजय है। भारतीय जनता पार्टी ने जब से श्री नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा की प्रधानमंत्री पद के लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के लिए जब से उनको घोषित किया, तब से जन भावनाओं का सैलाब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में बहता था। उसी वक्त मालूम हो गया था कि अप्रत्याशित परिणाम आने वाले हैं। बढ़ते 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 ये सैलाब सुनामी में परिवर्तित हुआ और आज एक अच्छा परिणाम देश के सामने है। मित्रों, 7 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल सकी, 7 ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस को 10 से ज्यादा सीटें मिली हो। एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस 2 आंकड़ों में पहुंची हो। स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ में और श्रीमान मोदी जी की तरफ में ये जनता का फैसला है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए सभी जन आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार देने का एक सकारात्मक प्रयास करेगी। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, आज तक जितने भी रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में थे, भारतीय जनता पार्टी ने सभी रिकॉर्ड तोड़कर 73 सीटों पर अब तक लीड बना ली है, 73 out of 80। आउट ऑफ 80 में से 73 सीटों पर हमने लीड बनाई है और मुझे कहते हुए थोड़ा अफसोस भी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आनंद भी है। कांग्रेस की 2 सीटें जो आई है वो परिवार की आई है और सपा की जो 5 सीटें आ रही है वो भी परिवार की ही आ रही है, बाकी की सब पार्टियां और सब कैंडिडेट हारे हैं। आने वाले दिनों में देश की राजनीति में एक हकारात्मक परिवर्तन होने जा रहा है। भारत की सफलता की गाथा आगे बढ़ने जा रही है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया में अपना स्थान, गौरवमय स्थान फिर से प्राप्त करेगा, ऐसा हम सबको भरोसा है। मैं आप सबके माध्यम से पूरे देश की जनता का के प्रति भारतीय जनता पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और विशेषकर उत्तर प्रदेश की जनता का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अप्रत्याशित बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है और 80 में से 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की लीड बनी हुई है। आप पूरे अभियान में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई को भी मदद करने के लिए जो आप लोग ने चेष्टा की है, इसके लिए भी सभी मीडिया के मित्रों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।